मध्य प्रदेश के बहुचर्चित लाडली बहना योजना से जुड़ी खबर लेके आए हैं। बता दें कि रीवा कलेक्टर प्रतिभा पॉल के द्वारा जरूरी निर्देश योजना के खातिर दीन गए। हम बता दें कि आगामी 10 तारीख का लाडली बहना योजना की किस्त आवे वाली है और इस दौरान कलेक्टर प्रतिभा पॉल के द्वारा संबंधित कार्य अधिकारी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के व्यवस्था सुनिश्चित करे के निर्देश दीन गे हम। तो मध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभी इनका प्रणाम करी थे शुरू करी थे। बड़ी खबर से बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित की जाए वाली लाडली बहना योजना की किस्त 10 फरवरी का जारी की जाये, जहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में योजना के राशि सिंगल क्लिक से जारी करी। कार्यक्रम सुबेरे 11 बजे से आयोजित की जाला है, जहां जिला के तमाम नगरी निकाय और ग्राम पंचायत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सजीव प्रसारण दूरदर्शन लाइव वेबकास्ट के माध्यम से दिखावा जाए। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पॉल के द्वारा संबंधित अधिकारी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम के खातिर सजीव प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित करे के निर्देश दिन गए हम। जिला स्तरीय कार्यक्रम NIC कलेक्ट्रेट में आयोजित कीन गाहब है। कलेक्टर के द्वारा इस दौरान कहा गया कि लाडली बहना योजना के कार्यक्रम प्रत्येक नगरी निकाय और ग्राम पंचायत में आयोजित करवावा जाए। ये कार्यक्रम में योजना से लाभान्वित महिला, लाडली बहना, सेना और शौर्य दल के सदस्य, लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित बच्ची और महिला स्व सहायता समूह के सदस्य का विशेष रूप से आमंत्रित करे के बात कही गई। उत्सव पूरा कार्यक्रम आयोजित करे के बात कही गई, जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधि समाज सेवी का कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करे के निर्देश दिन के। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के पूर्व स्थानीय स्तर पर लोकगीत, नुक्कड़ नाटक और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए के वातावरण के निर्माण करवावे के निर्देश जारी किए गए हैं और एक कार्यक्रम की अच्छी गुणवत्ता के फोटो वीडियो वेबसाइट cmevent.mp.gov.in पर अपलोड करावे के निर्देश रीवा कलेक्टर प्रतिभा पॉल के द्वारा जारी किए गए। तो सजग रहिए, सतर्क रहिए, रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।